नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्पोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं गोपाल शर्मा। ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड कप से पहले एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि रोल्ड आउट हो चुके हैं साउथ अफ्रीकन सीरीज से ट्रेविस हेड। जी हाँ, आपको बता दो, बेहतरीन बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में, जिस तरीके से 2018 में ओडीआई क्रिकेट से बाहर गए थे, फिर उन्होंने वापसी की पाकिस्तान के खिलाफ। पहले ही मुकाबले में ओपनिंग करते हुए सबकी ये पारी खेल दी, और जब से टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी पहले ही वर्ल्ड कप से, एक तरीके से वर्ल्ड कप के जब स्क्वाड आया है उसमें तो हैं एक तरीके से, लेकिन चोट की समस्या लगातार बनी हुई है। कैमरून ग्रीन की बात कर लें, पैट कमिंस लगातार चोटिल है वहां पे, ग्लेन मैक्सवेल की बात कर लें, स्टीवन स्मिथ की बात कर लें, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, सभी खिलाड़ी उस वहां पे चोटिल नजर आ रहे हैं। और उसमें अब एक और नाम जुड़ गया है, ट्रेविस हेड। जिस तरीके से बता दूं, जेराल्ड कोस्टजी की गेंद थी, पुल करते हुए उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी थी वहां पे, जिस तरीके से वो बहुत चोट, मतलब चोट से कहरा रहे थे वहां पे, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेविस हेड मैदान छोड़कर चले जाते हैं, और 11 गेंदों पर 17 रन की पारी खेलकर खेल रहे थे, और अच्छे लय में नजर आ रहे थे, जिस तरीके से चौके छक्के जड़ रहे थे, और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ही नहीं। जिस तरीके से चौथे वनडे मुकाबले की अगर बात करें तो बड़ी दिक्कतों में आ सकती है। उसके बाद कोच, जिस तरीके से एंड्रू मैकडोनाल्ड आते हैं वो मैच के बाद, जिन्होंने कहा, स्कैन के बाद कहा कि हेड के बाएं हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि की गई है, जो कि एक तरीके से उनका जो सामने वाला रहता है वो एक तरीके से हाथ कह सकते हैं, और क्योंकि लेफ्टी बल्लेबाज हैं, शनिवार को आगे स्कैन के फ्रैक्चर की गंभीरता का पता, मतलब एक तरीके से आगे के लिए उन्होंने बोला है कि आगे गंभीरता क्या है, क्या और दिक्कतें हैं, क्या वो कितने देर तक, एक तरीके से कितने समय तक फिट रह पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखना होगा कि क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक देखने में लग रहा था कि चोट बहुत गंभीर है, क्योंकि चोट में जैसे ही लगा वहां पे शॉर्ट पिच डिलीवरी, वहां पे बिल्कुल फिजियो आते हैं, वहां पे चोट की गंभीरता को जांचा जाता है, उसके बाद एक तरीके से वापस चले जाते हैं और मैच में दोबारा वापसी करते हुए नहीं नजर आते। ट्रेविस हेड की अगर थोड़े से करियर की बात करें, तो 2018 तक वो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने ओपनिंग में बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाजी, और वापसी के बाद, मैं क्यों कह रहा हूँ वापसी के बाद, क्योंकि लंबे समय से ओडीआई क्रिकेट से या वाइट बॉल से दूर थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से। वापसी के बाद 16 वनडे में 61 की औसत से 791 रन बनाए हैं उन्होंने, जिसमें स्ट्राइक रेट अगर बात करें सबसे जो अहम हो जाता है इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आते ही ये धुआंधार शुरुआत दिलाते हैं टीम को। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन सीरीज में लगातार चल रही है, 10 ओवर में 105 रन जोड़ दिए थे पावर प्ले में, तो ये अपने भी दिखा रहा है। 120 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं, और 2 शतकीय पारी भी शामिल है। तो कह सकते हैं तोड़ू फोड़ू बल्लेबाज डेविड वॉरन के साथ अच्छी पार्टनरशिप करते हुए नजर आते थे, और अब देखना होगा कि बाहर होते हैं या नहीं साउथ अफ्रीकन सीरीज से, तो एक तरीके से कह सकते हैं मुश्किलों में है। और ओडीआई वर्ल्ड कप में देखना होगा कि क्या खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।